तो ये क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो जो लर्निंग रो जहाँ भी जो फैक्टर्स अच्छी से विषय में आलोचना करिबा एवं जो लेसन प्रमोटिंग पे जहाँ सब स्ट्राटेजी अच्छी ये दुटा पॉइंट को लेकिन पाखापाखि अच्छी 40+ क्वेश्चन अच्छी से विषय में आलोचना करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन एक्टिव एडप्टेशन कॉन्शियस करेक्शन एंड पर्पसिव डायरेक्शन यही उक्ति कहार ताले जो उक्ति आम पढ़ले ये उक्ति कहार टर्मान थर्नडाइक बिने वाटसन ताले ये उक्ति हूँ कहार ना बिने ये उक्ति जो उक्ति आम पढ़ले ये हूँ बिने उक्ति जोटा कि अप्सन सी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य के शिक्षण कार्य पाने अंशग्रहण करने को आग्रह प्रकाश करती ना ताहले शिक्षण कार्य कौन थे पाने आग्रह प्रकाश करते ना आनंददायक कार्य थे पाने आग्रह प्रकाश करेंगे विभिन्न प्रकार कार्य करनंद प्रकाश करेंगे कार्यटी पिलार स्तर अनुजाई ना तो यही ही पाने कौन करेंगे ना आग्रह प्रकाश करेंगे ना कारण जदि कौन पिलार स्तर अनुजाई कार्य न होती है से कार्यटी बुझीपरब ना जहाँफल से अन्यमनस्क अंशग्रहण करेंगे आग्रह प्रकाश करेंगे ना कि अप्सन देखा जो कार्य नूतन ना जदि किसी नुआ किसी शिक्षापाई थी से शिक्षार्थी आग्रह प्रकाश कर अप्सन सी हम यार रईट आंसर कारण ये अप्सन सी जहाँ भी अच्छी से हीटा हूँ पिलार अंशग्रहण कार्य अंशग्रहण करेंगे आग्रह हे ना आग्रह प्रकाश करना जदि यही अप्सन थी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य के विद्यालय परिवेश को आनंददायक कर गोटे दिग ताले केउटी विद्यालय परिवेश को आनंददायक करे प्राकृतिक परिवेश शिशुप्रिय उपादान साधारण शिक्षण सुजोग उपरोक्त समस्त ताले ये तीन टा ऑप्शन भितर देखा प्राकृतिक परिवेश यदि परिवेश प्राकृतिक थी ताहले आनंददायक हो पारे शिशुप्रिय उपादान माने जोटा TLM जहाँ थी जदि से शिशु मानकर प्रिय होता भी विद्यालय परिवेश को आनंददायक कर साधारण शिक्षक सुजोग जदि शिक्षण सुजोग थोड़ा विद्यालय परिवेश आनंददायक है तेणु जो ऑप्शन डी अच्छे उपरोक्त समस्त से ठीक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा विद्यालय कांथर चट्टान ठारु केते मीटर उच्चरे मौलिक मानचित्र फूल फल पशु एवं पक्षी मान चित्र अंकन कर विद्यालय कांथर केते उपरको केते मीटर उच्चतार आम कौन करवा ना ये सब चित्र अंकन कर एक मीटर देढ़ मीटर दुई मीटर तीन मीटर ताले आम देढ़ मीटर उपरको ही आम कौन करवा ना ये सब चित्र अंकन करें कारण पिलाने कौन करेंगे जिते बड़े शिक्षण कार्य से भाग ने जहाँ भी कांथर सब चित्र होदि शिक्षण कार्य अंतर्गत होता है से कौन करेंगे ना से छुईकी से हिं से कौन करेंगे ना शिक्षण कार्य से कम लगे पारे तेणु यार जो अप्सन देढ़ मीटर अच्छे यहाँ हम ठीक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य के विद्यालय मानवीय परिवेश उदाहरण देखिए मानवीय परिवेश क्या सृष्टि ना मनुष्य को नहीं सृष्टि देखिए ये कौन अच्छी शिक्षार्थी शिक्षक पितामाता उपरोक्त समस्त देखिए मानवीय परिवेश ये जहाँ भी ऑप्शन अच्छी ए बी सी सब हूँ मानव संपर्कित तेणु ये जो ऑप्शन टी अच्छी उपरोक्त समस्त से ठीक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य क्यों धारणा उपर शिक्षक व्यवहार पर्यवेक्षित ताहले शिक्षक जहाँ भी व्यवहार रहा दरकार से क्यों धारणा पर पर्यवेक्षण देखिए ऑप्शन कौन अच्छी परिस्थिति पर निर्भरशील शिक्षक व्यवहार को देखिए शिक्षक और शिक्षार्थी मध्य सीमित उपरोक्त समस्त ताहले शिक्षक व्यवहार पर कौन पर्यवेक्षित हम ताहले जो ऑप्शन तीन टाक अच्छी तीन टाक ही हम तेणु यार ऑप्शन राइट आंसर हम डी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शिक्षक व्यवहार को मुख्यतः केत कर शिक्षक जो प्रकार व्यवहार देखते शिक्षार्थी मान प्रति आम के प्रकार विभक्त कर दुई तीन चार पाँच आम दुई प्रकार विभक्त भाग में विभक्त कराई जोटा कि अप्सन ये अच्छी से दुई प्रकार हूँ गोटे कौन ना प्रत्यक्ष व्यवहार आउ गए हूँ परोक्ष व्यवहार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य के शिक्षक प्रत्यक्ष व्यवहार गोटे उदाहरण ताले प्रत्यक्ष व्यवहार गोटे उदाहरण दबा आम तेज देखिए अप्सन कौन अच्छी अध्यापना निर्देशना समालोचना उपरोक्त समस्त शिक्षक जो अध्यापना करता प्रत्यक्ष व्यवहार क्या प्रति ना शिक्षार्थी मान प्रति निर्देशना प्रत्यक्ष व्यवहार समालोचना प्रत्यक्ष तेणु जो ऑप्शन डी अच्छी जे उपरोक्त समस्त से ठीक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शिशु तार प्रथम शिक्षण केउठोर आरंभ करे शिशु प्रथम क्या पाखु शिखे सांगसाथी विद्यालय परिवेश परिवार एवं बाह्य परिवेश ताहले शिशु प्रथम कौन हुए ना तो परिवार शिखे कारण सी पांच वर्ष पर ही से विद्यालय को आसे किंतु से पांच वर्ष जो तार समयटा से समयटा परिवार ही बीती था तेणु से जहाँ भी शिखे परिवार ही शिखी थाए प्रथम। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा विद्यालय एक क्षुद्र समाज यही कथा किए कही
ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମାଜ ବୋଲିକି କିଏ କହିଥିଲେ? ଜନ୍ ଡୁଇ, ପେଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ମଣ୍ଟେସୋରୀ, ରୁସୋ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମାଜ ବୋଲିକି ଜନ୍ ଡୁଇ ହିଁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ'ରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ସଦାଚାର ନୁହେଁ? ଦେଖିବା କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସତ କହିବା, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା, ପରୋପକାର। ତାହେଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ସଦାଚାର ନୁହେଁ, ତା'ମାନେ କେଉଁଟା ସେଇଟା ସାମାଜିକ ସଦାଚାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଯେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା, ଏଇଟା ସାମାଜିକ ସଦାଚାରର ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି, ସାମାଜିକ ସଦାଚାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କାହାର କିଛି କ'ଣ କରୁଥିବ ନା, କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁନଥିବ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସଦାଚାର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ କହିବା, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଏବଂ ପରୋପକାର, ଏସବୁ ଅନ୍ୟର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଲାଭ କରେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ଏଇଟା ସାମାଜିକ ସଦାଚାର ନୁହେଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଥିବା ଯାହା ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ଫର୍ ପ୍ରମୋଟିଂ ଲେସନ୍, ତାହେଲେ ଲେସନ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କେଉଁଟି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା? ଅଭିପ୍ରେରଣା କାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ତେଣୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହିକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତାହେଲେ ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତୃଷ୍ଣା, କୃତି, ଆତ୍ମସମ୍ମାନବୋଧ, ପ୍ରଶଂସା। ତେଣୁ ଏହାର ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଟା ହେବ ନାହିଁ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିବା, ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା, ଏଇଟା ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ଶିଶୁକୁ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଦେଲେ ଶିଶୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବି ସି ତିନିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ, କେଉଁଠି ନା ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ଶିଶୁର ଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦୀପକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁର ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଯେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତା'ର ଧାରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରକ ହିସାବରେ କେଉଁଟି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ? ତାହେଲେ କେଉଁ ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ? ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ଶାସ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତାହେଲେ ଏହା ଭିତରୁ ଆମେ କେଉଁଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ? ପୁରସ୍କାର, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପୁରସ୍କାରକୁ ଯଦି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଶିଶୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ହିଂସା ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାରକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଅଭିପ୍ରେରଣା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚରଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ, ଅଭିପ୍ରେରଣା କେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଅଟେ? ତାହେଲେ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଠି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା? ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ସ୍ୱୀକୃତି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଏ ବି ଆଉ ସି ଅଛି, ତିନିଟା ଯାକ ହିଁ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ତେଣୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ଡି ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଭୂମିକା ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଭୂମିକା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିଶୁକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ। ଅଭିପ୍ରେରଣାର କେବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଶିଶୁକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଭୂମିକା ନୁହେଁ। ତା'ପରେ ଅପସନ୍ ତଥାପି ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଭୂମିକା, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସି ଅଭିପ୍ରେରଣା ଭୂମିକା ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉପାୟ ଅଟେ? ଆଗ୍ରହ ଓ କୌତୂହଳ,
सफलता जनित आवश्यकता अभिलाष और लक्ष्य निर्णय उपरोक्त समस्त ताहले अभिप्रेरणार उपाय कौटा ना जो ऑप्शन देखंतु जे डी ऑप्शन अछि कारण उपरोक्त समस्त काहेकि ना जो ऑप्शन ए बी आ सी अछि तीनटा जक ही होछि अभिप्रेरणार उपाय। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी अभिप्रेरणा संबंधी मतवाद अटे ताहले देखिबा अभिप्रेरणा संबंधी मतवाद केउटी अटे आवश्यकता शारीरिक प्रवृत्ति ताले ये तीनटा जाक मतवाद ही हूँ कौन ना अभिप्रेरणा संबंधी मतवाद तेणु ऑप्शन डी जोटा अच्छे उपरोक्त समस्त सेटा हाँ तर ठीक उत्तर। ताप नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु केउटी बाह्य अभिप्रेरणा नुहे ताले बाहिक अभिप्रेरणा केउटी नुहे प्रशंसा एटा बाहिक अभिप्रेरणा पुरस्कार एटा मध्ये बाहिक अभिप्रेरणा शास्ति एटा मध्ये बाहिक अभिप्रेरणा किंतु क्षुधा जोटा अच्छे सेटा होचे हमर अंत अभिप्रेरणा तेणु क्षुधा होचे बाहिक अभिप्रेरणा नुहे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउ आभ्यंतरण अभिप्रेरणार उदाहरण ताले केउटी आभ्यंतरण बा जोटा अंत अभिप्रेरणा तार उदाहरण क्षुधा रक्त संचालन और तृषा उपरोक्त समस्त ताले ए क्षुधा तृषा रक्त संचालन ये सब होचे आभ्यंतरण अभिप्रेरणा तेणु जो उपरोक्त समस्त जो ऑप्शन डी अच्छी सेटा तार ठीक उत्तर। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त केउ प्रक्रिया मध्यम शिक्षार्थी आचरणगत परिवर्तन हुए ताले आचरणगत परिवर्तन शिक्षार्थी केत हुए शिक्षण प्रक्रिया शिक्षादान प्रक्रिया दलगत आलोचना उपरोक्त समस्त ये देखते ये जो ऑप्शन ए बी सी अच्छे तीन टा जहाँ भी प्रक्रिया अच्छी या द्वारा शिशुर आचरणगत परिवर्तन होता है तेणु यार ठीक उत्तर होगी ऑप्शन डी जोटा कि अच्छी उपरोक्त समस्त। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षण क्षेत्र में अभिप्रेरणार भूमिका नुहे ताले शिक्षण क्षेत्र में अभिप्रेरणा भूमिका कौन नुहे देखा शिक्षण पर सक्रिय कराए यहाँ ठीक अच्छे अभिप्रेरणा भूमिका शिक्षण को निष्क्रिय कराए के निष्क्रिय कराए ना तेलु यहाँ हाँ द्वारा ठीक होता तथा आम पर अप्सन सब देखा शिक्षण संपर्कित आचरण को नियंत्रण कैर ठीक अच्छे लक्ष्य हासिल पर्यटन चेष्टा चल लक्ष्य ठीक अच्छे तेणु शिक्षण को निष्क्रिय कराए यहाँ अभिप्रेरणार भूमिका नुहे जोटा कि अप्सन बी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शिक्षार्थी जितेबाड़ शिक्षापी इच्छा करते न शिखाइले मन में हताश भाव देखा दे ताले एहा केउ शिक्षण नीति सहित संपर्कित ताले जेतेबेले शिक्षार्थी कोनोसी किछि शिक्षा पै चेष्टा करूथिबो बा तार इच्छा थिबो जदि आमे सेठी ताकु न सिखेबा ताले शिक्षार्थी कोन करियो ना हताश भाव देखा जिवो तनु एइटा होची केउ शिक्षण नीति ना जोटि प्रस्तुति नीति जोटा अछि जे ऑप्शन डी रे ताले एटा प्रस्तुति नीति सहित संपर्कित परिमाण नीति सादृश्य नीति प्रतिन्यास नीति ये तीन टा हम ना। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्राणीर लक्ष्याभिमुखी प्राणीर लक्ष्याभिमुखी आचरण को आम कौन कह शिक्षण कौशल अभिप्रेरणा दक्षण दक्षता तेणु आम तो निश्चित भाव अभिप्रेरणा ही कहाना देखिए प्राणीर लक्ष्याभिमुखी मैंने कौन से लक्ष्य हासिल करने तार जो आचरण देखाए तो सीटा को आम अभिप्रेरणा ही कह। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षार्थी मानक प्रश्न पचारिबार गोटे उपकारिता नुहे तार प्रश्न पचारिबार केउटी गोटे उपकारिता नुहे मानसिक प्रक्रिया को सजाग शिक्षकक कार्यदक्षता बढ़ावा चिंतन उज्जीवित करवा शिक्षार्थी मानक शिक्षण प्रक्रिया सामिल करवा देखो जो ऑप्शन बी अच्छे शिक्षकों कार्यदक्षता बढ़ावा प्रश्न पचार द्वारा शिक्षा शिक्षक कार्यदक्षता बढ़े ना तेणु ऑप्शन बी हम यार ठीक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु केउं बाह्य अभिप्रेरणा को शिक्षक सबल व्यवहार करा उचित नुहे एटा पूर्वर मध्ये आमे आलोचना कले जोटा कि अच्छे जे प्रशंसा किंतु सेठी आमे आलोचना करथले पुरस्कार कारण से पुरस्कार हेब एवं प्रशंसा मध्ये दुटा हेब कारण आमे जदि जण को जदि केवल जण को जदि आमे सबल प्रशंसा करिबा ताहाले मध्ये सेठी शिक्षार्थी मान भितर कोन हेब ना हिंसा भाव मध्ये देखा जिवो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु केउटी अभिप्रेरणार गोटे उदाहरण प्रशंसा सहानुभूति अहीनमन्यता प्रतिजोजन ताल अभिप्रेरणा गोटे उदाहरण किए से ना ऑप्शन ए जोटा अच्छे प्रशंसा जोटा कि बाहिक अभिप्रेरणा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मोर शब्दटी केउं शब्दर सृष्टि होई मोर शब्दर केउं शब्द सृष्टि होई प्रतिजोजन अभिप्रेरणा जो अनुभव अनुसंधिचा ताल मोर शब्दर अभिप्रेरणा ही सृष्टि होई। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पूर्वर जहाँ को हासिल करने को व्यक्ति मध्य कर्म तत्परता नथिला तथापि एक लक्ष्य हासिल निम्ते व्यक्ति को लक्ष्य हासिल निम्ते व्यक्ति को अभिप्रेरित करता मानसिक घटनावली को अभिप्रेरणा कहते हैं यही मतामत किए देते तेणु अभिप्रेरणा संपर्कित जो मतामत आम देखिले आपको किए देते जॉन डुई स्किनर वेस्लर बर्नार्ड शॉ ताले अभिप्रेरणा संबंधी यही मतामत बर्नार्ड शॉ ही देते जोटा कि ऑप्शन डी रे अछि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अभिप्रेरणा एक मानसिक एवं शारीरिक अवस्था जहाँकि आवश्यकतार परिपूर्ण पाई व्यक्तिर चेष्टा को अधिक क्रियाशील करता है अभिप्रेरणा संबंधी यही मतवाद किए देते आटकिनसन हैबर्ट सेरेनसन
मर्सो इंगो बर्नार्ड शॉ ताले एठी के कहिथिले ना हैबर्ट सोरेनसन ही कहिथिले जहाँकि जहाँ पे आम उक्ति पढ़ल अभिप्रेरणा सम्बन्ध ए उक्ति को हैबर्ट सोरेनसन ही कहिथिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी आभ्यंतरण अभिप्रेरणा एक अंतर उदाहरण ताले आभ्यंतरण अभिप्रेरणा जोटा कि अंत अभिप्रेरणा केउटी खाद्य पानीय स्नेह एवं उपरोक्त समस्त तेणु या भितर उपरोक्त समस्त ही हे आभ्यंतरण अभिप्रेरणा कारण आम खाद्य पानीय एवं स्नेह ये तीन टा जाक ही हूँ आभ्यंतरण अभिप्रेरणा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य केउटी बाह्य अभिप्रेरणार एक उदाहरणटे ताले बाह्य अभिप्रेरणा उदाहरण किए प्रशंसा पुरस्कार भल नंबर उपरोक्त समस्त तेणु उपरोक्त समस्त ही हूँ बाह्य अभिप्रेरणा सब हूँ गोटे गोटे उदाहरण। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जोटा कि 25 नंबर अच्छी निम्नोक्त मध्यरु केउँ अभिप्रेरणार गोटे केउँटी अभिप्रेरणा गोटे उपाय ताले अभिप्रेरणा केउँटी उपाय देखिबा दंड पुरस्कार ये मध्य गोटे उपाय फलाफल सम्बन्धरे ज्ञान ये मध्य गोटे उपाय आग्रह कौतूहल ये मध्य गोटे उपाय तेणु जो ऑप्शन डी अच्छे उपरोक्त समस्त ताले सब गुड़ा हूँ जेहेतु अभिप्रेरणार गोटे गोटे उपाय तेणु उपरोक्त समस्त ही हम यार ठीक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निज योग्यता उपरे प्रतियोगी मनोभाव सृष्टि करिबाकु कोन कहजे जदि आम निज योग्यता पर आम प्रतिजोगी मनोभाव सृष्टि करें तो आम कौन कह विश्लेषण व्याख्या मूल्यायन आत्म प्रतिजोगिता से कह आत्म प्रतिजोगिता ही कह जोटा कि ऑप्शन डी रे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बहुत दिन धरी पिलामानकर शिक्षा शिक्षादान उपर निर्भरशील होबार कारण कौन ताले पिलामानकर शिक्षादान उपर निर्भरशील होबार कारण कौन शिक्षण शिक्षादान परिणति शिक्षक पिलांको भल पढ़ाती शिक्षक न पढ़ाइले पिलामाने शिखिबे नाही पिलांको शिक्षापै शिक्षक आवश्यक ताले या भितर जो शिक्षण शिक्षादान परिणति जदि एटा जदि ठीक भाबर हैला ताहाले कोन हबो ना शिक्षादान उपरे पिलामाने कोन हबे ना निर्भरशील हेबे जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि। तापर क्वेश्चन देखिबा शिक्षण हेउछि एक प्रक्रिया जहाँ द्वारा एक व्यक्ति परिवेश सह निज प्रतिक्रिया बलर एक नूतन आचरण आहरण करे जहाँकि दीर्घस्थायी हो तहार साधारण व्यवहार शैली को प्रभावित करें ताले यही विचार को किए कही शिक्षण सम्बन्धी जो विचार अच्छे यहाँ कहार विचार रायबन एनएलगेज हिलगार्ड बटन ताले ये हूँ कहार विचार ना बटन कर ही हूँ विचार जोटा कि ऑप्शन डी रे अच्छी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा अभिप्रेरणा को केतारित कर जोटा कि ऑप्शन दुई बी हम दुई भाग कारण अभिप्रेरणा हूँ बाह्य अभिप्रेरणा और आभ्यंतरण अभिप्रेरणा अंत अभिप्रेरणा तेनाली ऑप्शन बी हम यार राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य क्योंटि बाह्य अभिप्रेरणा एक उदाहरण टे तो यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो देखो आप सबुर ऑप्शन गुड़ा ही अलग अलग तमें ये आप जापरते हैं बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण अच्छे खाद्य पानीय पुरस्कार स्नेह या भितर केउटी हूँ बाह्य अभिप्रेरणा निहतिया भाव पुरस्कार ही हम जोटा कि ऑप्शन सी रे अच्छी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निज भविष्य विषय उच्चाभिलाष निम्नोक्त केउ अभिप्रेरणा अंतर्भुक्त जदि निज भविष्य विषय जब जन भावुँ किसी अभिलाष रखुच्छे तालोले केउ अभिप्रेरणा हम बाह्य आभ्यंतरण उभय ए ओ बी एवं केउटी नुहे ताले सेटा निश्चित भाव आभ्यंतरण हेबो कारण जनकर लक्ष्य जहाँ रही है सेटा त निज भितर ही था से बाहर को प्रकाश करे ना सबुबेले प्रकाश करे ना सेटा से निज भितर रखता है आभ्यंतरण अभिप्रेरणा ही हम जोटा कि ऑप्शन बी रे अच्छी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शिक्षार्थी बारंबार अवांछित आचरण संशोधन क्यों व्यवस्था आम ग्रहण करने आवश्यक जहाँ शिक्षार्थी आचरण देखो जोटा कि अवांछित जोटा कि समस्त को भल लगुना संशोधन कराया कौन करवा दंड पुरस्कार निंदा प्रशंसा ताले या भितर आम कौन कले शिक्षार्थी से अवांछित आचरण पर तेनालीराम दंड दबा दंड दे ही तार कौन हम ना से जो देखे अवांछित आचरण जदि तार आचरण बहुत खराब हो सी केवल दंड ही दिया दिहबा आम पुरस्कार प्रशंसा व निंदा करवा सीटापुर कौन से काटू करना तेणु ऑप्शन ए हम यार राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करने शिक्षक निम्नोक्त केउँ उद्दीपक व्यवहार करते शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करने शिक्षार्थी को अभिप्रेरणा जगह शिक्षक केउँ उद्दीपक व्यवहार करते देखिए ऑप्शन कौन अच्छी दंड पुरस्कार दे था प्रशंसा और निंदा मध्य करते फलाफल सम्बन्ध में ज्ञान दे था तेणु जो ऑप्शन डी अच्छी जो उपरोक्त तीनोटी जगह यहाँ हम तर ठीक उत्तर। तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शिक्षार्थी गणित और विज्ञान में खूब भल करे भविष्य में जन इंजीनियर हो पार यह निम्नोक्त क्यों प्रकार लक्ष्य अंतर्भुक्त तमें जड़े गणित विज्ञान में भल कर मैंने से भविष्य में इंजीनियर हम यहाँ क्यों प्रकार लक्ष्य तत्कालिक दीर्घमियादी उभय ए बी एवं केउन ताले एटा हबो दीर्घमियादी लक्ष्य कारण आम तार भविष्य को लेकिन गोटे दीर्घ समय को लेकिन आम लक्ष्य निरूपण करेंटा दीर्घमियादी लक्ष्य ही हम जोटा कि ऑप्शन बी रे अच्छी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
विद्यालयर शिक्षण परिवेशको मुख्यतः केते हर विभक्त गराइछि तले विद्यालय जो शिक्षण परिवेश अछि ताको आमे केते हर विभक्त करबा त ऑप्शन जोटा पी अछि जे दुई भाग रे विभक्त आमे त करि परबा जोटा कि ठीक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउडी विद्यालयर बहुत मौलिक सुविधार अंश अटे तार मौलिक सुविधा जहाँ भी विद्यालय रहे ताभितर केउडी गोटे अंश अटे रंग बेरंगर फूल बगीचा प्रस्तुति खेलिया पे दोली निरापद पानीय जल खसड़ा ताले ये सब हूँ मौलिक जो ऑप्शन ए बी आउ डी अच्छे मौलिक सुविधा नुहे किंतु पानीय जल निरापद पानीय जल यहाँ निहतर दरकार जोटा कि विद्यालय का मौलिक सुविधा मैंने ऑप्शन सी हम तरह राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउडी शैक्षिक व्यवस्था द्वारा पिलामानकर सृजनी प्रतिभा विकास होता है क्यों शैक्षिक व्यवस्था द्वारा आम पिलामानकर सृजनी प्रतिभा विकास करिपरबा कांथ शिक्षण कार्य कांथ पत्रिका कलापटा शिक्षण कोण ताले आम कौन करिबा ना जो कांथ पत्रिका अच्छी ता द्वारा ही आम कौन करिबा ना से शिक्षार्थी मान जहाँ भी से कविता लिखिले कौन गल्प लिखिले से कांथ पत्रिका मारे जहाँफल कि सृजनी प्रतिभा विकास हो पार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी विद्यालय मानवीय परिवेशर अंश नुहे तेजी विद्यालय मानवीय परिवेश अंश मानवीय परिवेश ना से मनुष्य ही अंतर्भुक्त हे तेणु शिक्षक शिक्षार्थी हूँ मानव अंतर्भुक्त विद्यालय गोष्ठी में मानव अंतर्भुक्त शिक्षार्थी शिक्षार्थी ये मानव अंतर्भुक्त किंतु जोटा ऑप्शन अच्छे डी अच्छी शिक्षण कार्य एवं महत्ववाणी कारण एथिरे कौनसी मानवर अंतर्भुक्त ना तेणु यहाँ मानवीय परिवेशर अंश नुहे जोटा कि ऑप्शन डी अच्छी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षकंकर परोक्ष व्यवहार अंतर्भुक्त परोक्ष व्यवहार शिक्षकंकर केउटी अंतर्भुक्त अध्यापन द्वारा धारणा ग्रहण और व्यवहार द्वारा निर्देशना देवा एवं समालोचना देवा तार धारणा ग्रहण एवं व्यवहार हूँ शिक्षकंकर परोक्ष व्यवहार अंतर्गत तो ये थिला 40 एवं सी थिला 11 पाखापाखि 50 उपरे अच्छी क्वेश्चन जोटा कि आम आलोचना कले जो जहाँ भी मुझे प्रथम कही चैप्टर कही तो आशा कर भिडियोटी भल लगी तो निश्चित भाव लाइक और शेयर करेंगे तो पुणी देखा आपण मत नेक्स्ट ओटीटी क्लास से पर्यटन विदा दिखाँ।